कोरोना वायरस की तीसरी लहर में संक्रमित मरीजों के आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से स्थिति अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना 2.5 लाख के पार जा रही है और इस बार भी कोरोना का असर रोजगार पर देखने को मिल रहा है। वहीं लगता है कोरोना वायरस की तीसरी लहर की मार बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पर भी पड़ रही है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का काम बंद हो गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन से कही है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका काम बंद हो गया है। इस दौरान उनके शरीर में एक चीज काफी तेजी से बढ़ रही है। आगे का वीडियो देखने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन ने अपना चेहरा जूम कर रखा है, जिस वजह से अमिताभ के चेहरे की झुर्रियां तक साफ दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर में अभिनेता के चेहरे की स्माइल भी देखी जा सकती है, जिसमें उनकी आंखें काफी चमक रही हैं। इस तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन ने कैप्शन में बताया है कि उनके पास अब कोई काम नहीं है। एक्टर ने कैप्शन में लिखा, काम वाम सब बंद है, बस दाढ़ी बढ़ती जा रही है। अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट फैंस के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर पर महज कुछ ही घंटों में लाखों से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तस्वीर पर बिपाशा बसु ने कमेंट भी किया है। एक्ट्रेस ने लिखा है, सो क्यूट। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेता कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्मों में ब्रह्मास्त्र, झुंड, रनवे, द इंटर्न और गुडबाय जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि कोरोना की वजह से वो शूटिंग नहीं कर पा रही हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।